केरेडारी थाना क्षेत्र के पांडू में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार में शामिल होकर मौके पर विधायक अंबर प्रसाद ने कहा कि सरकार ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं जन सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। सरकार इसके माध्यम से जिले के अंतिम छोर तक जा रही है। सभी लोगों की समस्याओं का समाधान सहज एवं सरल तरीके से हो इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन काफी बड़े स्तर पर राज्य भर में किया जा रहा है। साथ ही साथ बताते चले कि विधायक अंबर प्रसाद ने कहा कि ग्रामीणों के हक एवं अधिकारों का हनन करके नहीं होने दिया जाएगा खनन कार्य। एनटीपीसी एवं उनके सहयोगी कंपनी पर निशाना साधते हुए अंबर प्रसाद ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों के हक एवं अधिकार का हनन कर खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। जब तक ग्रामीणों की मांगे और अधिकारों पर कंपनी प्रबंधक निर्णय नहीं लेगी उन्हें किसी भी हाल में खनन कार्य करने का अधिकार नहीं है। कंपनी बलपूर्वक लोगों को डरा धमका कर कार्य नहीं कर सकती है। हाल के कुछ दिनों में एनटीपीसी द्वारा धान के फसल पर मिट्टी गिरा दिए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटना कतई बर्दाश्त युक्त नहीं है। कंपनी दलालों के माध्यम से फुट करो शासन करो वाली राजनीतिक अपना रही है। प्रखंड के पांडू में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उपस्थित अपर समाहर्ता प्रदीप तिग्गा वीडियो किस्टू कुमार बेसरा सीओ राकेश कुमार तिवारी प्रमुख नीतू कुमारी खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रवि राजा इत्यादि उपस्थित थे। किरेडारी से ज्ञान कुमार पासवान की रिपोर्ट। यहाँ पे कई दलालों को पैदा करके और आपस में लड़ाने का फूट डालो राज करो वाला राजनीति अपना रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से भी हम डर नहीं मानने वाले हैं और हार नहीं मानने वाले हैं। यहाँ पे लोगों को अगर समझाना पड़ेगा या फिर जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि लोग भी परेशान हैं और लोग हमारे पास आते हैं कहने के लिए कि उनको डराया धमकाया जाता है। कई बार प्रशासन की तरफ से भी कुछ प्रशासन के लोग सारे नहीं वो भी आते हैं लोगों को डराने के लिए या फिर धमकी देने के लिए। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल हम अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम लोग एक बैठक भी तय की है। ये जो जबरन किसी के खेत में या किसी के धान के ऊपर अगर इस तरह का काम करने का कोशिश किसी कर रहा है बिना जमीन दिए या बिना सहमति ग्रामीण कर लिए हुए तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लोग हैं लोगों की सहमति से ही यहाँ पे कंपनी काम कर पाएगी और बहुत सारा मांग है जो जायज़ मांग है लोगों का जो लीगली वैलिड है वो सारा चीज़ पे कंपनी को अमल करना होगा तभी यहाँ पे काम कर पाएगी। स्पष्ट रूप से हमने लोगों को भी बोला हुआ है और लोगों ने भी इस पे सहमति जताई है और इस पे बैठक भी होगी जिस पे वही निर्णय लिया जाएगा जो एज पर लॉ होगा। मैम आपके द्वार आपके सरकार आपके द्वार के तहत जो इस कार्यक्रम चलाई जा रही है इसमें किसी हर पंचायत में कोई ना कोई प्रॉब्लम सुनी जा रही है और किसी तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है उसको नोट नहीं किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? लेकिन नोट तो किया जा रहा है और संज्ञान में भी लिया जा रहा है। इनफैक्ट हमने ये भी बोला है कि अगर कहीं से कुछ छूट गया और वहाँ लोगों ने अगर हमें ये बताया कि हमारा समस्या हम नहीं रख पाए और अगर लोग अगर चाहेंगे कि सरकार आपके द्वार फिर से पुनः यहाँ पे लगे तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और हम लोग हर हाल में चाहेंगे कि जितने भी सरकारी योजनाएं या जितने भी सरकार की तरफ से जो लाभ दिए जा रहे हैं लाभुकों को वो लाभुक तक पहुंच नहीं पाते हैं कभी भी। हम अभी देखिए 20-21 साल हो गया शासन को अलग हुआ लेकिन आज भी 60 साल से ऊपर जो दादाजी दादी जी हैं वो लोग से मिलते हैं तो हमेशा ये शिकायत आती है कि उनको पेंशन नहीं मिल रहा। कई गरीब लोग के पास इंदिरा आवास नहीं है अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं है अभी तक तो इन सब और भी कई ऐसे लाभ हैं जो सरकार के माध्यम से अभी भी नया नया चीज़ निकाला गया है। पलाश योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए रोजगार सृजन करने के लिए बहुत सारा योजना निकाला गया है उसमें महिलाओं को बहुत सारी महिलाओं को जानकारी भी नहीं है जानकारी के अभाव में भी कि कैसे प्राप्त करें ये सारा लाभ वो भी नहीं पता रहता है। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सरकार इंतजार चला रहे हैं और जरूरत पड़ेगा यहाँ पे लोग अगर फिर से चाहेंगे कि सरकार उस पर बात किया जाए मैडम जमीन पर जो एनटीपीसी दबंगे कर रहे हैं उस पर बात कीजिए।